மீண்டும் ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவத்தை பார்ப்போம். நார்த் ஈஸ்டர்ன் ரயில்வேல வாரணாசி டிவிஷன்ல சிவான் தாவேன்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்கு. இது சிங்கிள் லைன் எலக்ட்ரிஃபைடு செக்ஷனு. சிவான் ஜங்ஷனுக்கு அடுத்து சிவான் கச்சேரின்னு ஒரு ஹால்ட் ஸ்டேஷன் இருக்கு. அதுக்கு அடுத்தப்பல அம்லோரின்னு ஒரு பிளாக் ஸ்டேஷன் இருக்கு. சிவான் கச்சேரிக்கு அம்லோரி ஸ்டேஷனுக்கு நடுவில் ஒரு ரயில்வே கேட்டு. அந்த கேட்டு எப்போதுமே பூட்டி கிடக்குது. அந்த கேட்டுக்கு முறையாக கேட் கீப்பர்கள் யாரும் வர்றதில்லை. ரயில்வே நிர்வாகம் ரொம்ப அலட்சியமாக இருக்குன்னு உள்ளூர் தொலைக்காட்சி நிருபர் ஒரு தரமான சம்பவம் பண்ணிட்டாரு. அந்த வீடியோ பீகார் பூரா வைரல் ஆயிட்டு. அந்த சம்பவத்தை நீங்க பாருங்க. கடைசியில் என்ன நடவடிக்கை எடுத்தாங்கிறத நான் சொல்றேன். जहाँ पे ट्रेन आती है तो लोगों पायलट या ट्रेन का गार्ड नीचे उतरकर इस गुमती को गिराते हैं, उसके बाद फिर जाके उठाते हैं। तो देख सकते हैं हमारे पीछे एक ट्रेन आई है, जो कि ये ट्रेन के लोगों पायलट या ट्रेन का गार्ड पहले इस गुमती पर आएंगे और ये फाटक को उठाएंगे, उसके बाद ट्रेन आगे गुजरेगी, उसके बाद फिर से फाटक को नीचे गिराकर उसके बाद अपने स्टेशन की ओर रवाना होंगे। और एक बात और है कि इस गाँव में जब भी ट्रेन आती है तो इस गाँव के लोग जब भी यहाँ पे हाथ देते हैं तो हाथ देने से भी ट्रेन रुक जाती है। देखिए कि ट्रेन में से गार्ड उतरे हैं और हाथों में इनका हैंडल है, और आइए कि हैंडल सीधा इसमें लगाएंगे और ये फाटक को गिराएंगे। थोड़ा सा दिखाइएगा कि गार्ड ट्रेन से उतर चुके हैं, गार्ड को दिखाइएगा, और ये देखिए इनके हाथों में हैंडल है और ये फिर हैंडल को लगाएंगे इसमें और ये देखिए फाटक को गिराएंगे। पहले फाटक को गिराएंगे, उसके बाद ये ट्रेन क्रॉस करेगा। और ये देखिए गार्ड साहब हैं जो कि ये फाटक को अभी गिरा रहे हैं। और उधर दिखाइए कि रेलवे है, कब से ये हो रहा है यहाँ पे, कब से हो रहा है यहाँ पे। देखिए ये फाटक को गिरा दिया, उसके बाद कब से हो रहा है ये देखिए कि आगे चल दिए हैं और ट्रेन भी अभी भी यहाँ देखिए रुका हुआ है। और ये फाटक अभी रेलवे घूमती है जो गिर गया है, और इसके बाद ये ट्रेन क्रॉस करेगी तो फिर से ट्रेन के गार्ड उतर के और ये फाटक को खोल देंगे, उसके बाद ट्रेन स्टेशन की ओर रवाना होगी। और आपको बता दूं कि इस गांव का ये भी मानता है कि ट्रेन हाथ देने से भी रुक जाती है। आइए आपको नजारा दिखाने का प्रयास करूंगा। इधर दिखाइए कि यही रेलवे फाटक है, यही घूमती है और इसे ढाला भी कहते हैं। ये देखिए ये फाटक को ट्रेन का ड्राइवर या ट्रेन का गार्ड आके ये फाटक को गिराते हैं। और हमारे सामने में देखिए यही ट्रेन है, जो कि ट्रेन का ड्राइवर साहब ट्रेन के गार्ड उतर के फाटक को गिराते हैं और ट्रेन को यहाँ से क्रॉस करते हैं। और आप देखिए कि आगे क्या होता है। जैसे ही ट्रेन ये फाटक से क्रॉस करेगी तो फिर से गार्ड आएंगे और इसमें हैंडल लगाएंगे और ये फाटक को उठाकर उसके बाद जाएंगे। आगे आइएगा, दिखाने का प्रयास करूंगा कि देखिए ये फिर से यहाँ पे गार्ड आएंगे, ये ट्रेन से उतरकर फिर से यहाँ पे गार्ड आएंगे और फिर से फाटक को उठाकर और आगे की ओर रवाना होंगे। कहीं ना कहीं ये सिवान जिला के साहेबगंज का आपको तस्वीर दिखाने का प्रयास किया, जहाँ पे बिहार में कहते हैं कि बड़े बड़े ट्रेन चलने का दावा किया जाता है, जंक्शन को बदला जा रहा है और कहीं ना कहीं विकास की ओर ले जा रहा है, लेकिन एक ऐसे फाटक को दिखाने का प्रयास किया। यहाँ पे देखिए कि ताला लॉक है, यहाँ पे कोई रेलवे कर्मचारी नहीं है जो कि ये फाटक को उठा सके और ये फाटक को गिरा सके। ट्रेन का कभी कभी लोको पायलट और ट्रेन का कभी कभी गार्ड, ये काम उनको स्वयं करना पड़ता है। बताइए कि ट्रेन का लोको पायलट गाड़ी चलाएंगे, ट्रेन को चलाएंगे या फाटक को उठाएंगे। कहीं ना कहीं सिवान जिला का यह तस्वीर दिखाने का प्रयास किया, जो कि बिहार का एक अजूबा फाटक कह सकते हैं, बिहार का एक अजूबा गुमती कह सकते हैं। अब देखिए कि ट्रेन क्रॉस किया, एक बार दिखाइएगा, ये देखिए ट्रेन क्रॉस कर गया और फाटक देखिए कि अभी लगा हुआ है। अब आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि ट्रेन वहां पे जाके रुक जाएगी। देखिए कि ट्रेन आगे चलकर रुक जाएगी और रुकने के बाद फिर से वहां से गार्ड निकलेंगे। देखिए गार्ड निकल गए हैं और उनके हाथों में एक हैंडल होगा। देखिए कि गार्ड को दिखाइएगा गौर से, उनके हाथों में हैंडल है और फिर से हैंडल लेके आएंगे और ये फाटक को उठाएंगे, उसके बाद फिर से ये ट्रेन आगे की ओर जाएगी। और आपको बता दूं कि ये पूरा का पूरा गुमती जहां तक आप जाइएगा इसी प्रकार से बिहार के सिवान जिला में चलता है। देखिए कि फिर से ट्रेन से गार्ड साहब उतरे और उनके हाथों में एक हैंडल है जो कि ये फाटक को उठाएंगे, जो कि आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार का एक अजूबा रेलवे फाटक जिसमें ट्रेन का लोको पायलट या ट्रेन का गार्ड स्वयं आके और ये फाटक को उठाते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं। कब से चल रहा है भैया ये, कब से चल रहा है ये, बात जाइए उनसे पूछिए कब से चल रहा है। मतलब सुने बहुत सालों से चल रहा है ये, अब फिर से जाके ट्रेन में बैठ जाइएगा। अब गार्ड हैं, आपको दिखेगा ही कहाँ बैठेंगे। अब गार्ड हैं क्या? हाँ गार्ड हैं। देखिए कि इनके हाथों में फाटक को उठा दिए हैं और देखिए यातायात वाहन फिर से फाटक के माध्यम से क्रॉस कर गए और गार्ड को दिखाइएगा। आइए आइए, देखिए कि यह गाड़ी चल रहा है, आइए नजदीक आइए और ये देखिए यहाँ पे आइए और फिर से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। इधर आइए और आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि फिर से गार्ड साहब हाथों में हैंडल रख के और फिर से ट्रेन में बैठेंगे और ट्रेन आगे की ओर रवाना होगा। आइएगा, थोड़ा सा जल्दी आइए, दौड़ के आइए महाराज, दौड़ के आइए ना महाराज,
और फिर से देखिए कि गार्ड जो साहब हैं उनके हाथों में हैंडल है और देखिए ट्रेन में कैसे बैठेंगे, ये देखिए आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। सीधा बिहार का विकास यही है भैया, बिहार का विकास आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए गार्ड साहब फिर से ट्रेन में बैठ गए और फिर से ये ट्रेन आगे की ओर रवाना होगी। तो आपको दिखाने का प्रयास किया बिहार का एक अजूबा फाटक जो कि ट्रेन का लोको पायलट या ट्रेन का गार्ड इस पे आके उठाते हैं। क्या कहिएगा भैया ऐसे ऐसे फाटक को, क्या कहा जाए, क्या कहिएगा भैया, कुछ तो कहिए, बताइए कि फिर से ट्रेन के लोको पायलट और ट्रेन के गार्ड फिर से गुमती को गिराते हैं, उसके बाद देखिए कि ट्रेन फिर से रवाना हो गया। बाकी बात इस फाटक के बारे में क्या सोचते हैं, ये हमारे बिहार का विकास विकसित फाटक है जो कि आपको दिखाने का प्रयास किया, जो कि ये सिवान जिला में पड़ता है। और जैसे ही बताइए कि किस प्रकार से यहाँ पे एक्सीडेंट का संभावना होता है, अगर रात को इसी प्रकार से अगर करेंगे तो बताइए क्या होगा। आपको दिखाने का प्रयास किया दोस्तों, ये सिवान जिला का तस्वीर आपको सीधा दिखाने का प्रयास किया, यही वो ढाला था जिसमें ट्रेन आती है तो ट्रेन लोगों के हाथ देने से भी रुक जाता है और यहाँ पे गार्ड साहब आते हैं और यहाँ पे हैंडल लगाते हैं और फाटक को उठाते हैं और पीछे नीचे गिराते हैं। यहाँ के तमाम ग्रामीण लोग हैं, कब से ये चल रहा है यहाँ पे कब से चल रहा है? बहुत दिन से चल रहा है। अब बताइए कि आते यातायात वाहन इससे क्रॉस करती है, कभी एक्सीडेंट भी हुआ है यहाँ पर? हुआ है। अरे ये कौन सा गांव है? बसोई टोला है। यहाँ पे बहुत सालों से, कितने सालों से ये हो रहा है? घूम के बच्चा हुआ, कहीं एक्सीडेंट हुआ है, यही पे एक्सीडेंट हुआ था। क्या कहेगा भैया, आप ग्रामीण है क्या? कब से ये चल रहा है भैया? बहुत दिन से चल रहा है। कब से चल रहा है? मेरे को मालूम पता नहीं कब से चल रहा है भैया। बहुत काफी दिन से चल रहा है, काफी दिन से। हाँ। बाकी बात देखिए कि यहाँ पे एक कर्मचारी होना चाहिए, रेलवे कर्मचारी होना चाहिए इसमें बैठे हुए, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। फिर से दिखा दीजिए कि यही वो फाटक है। बाकी बात इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये बिहार का सिवान जिला का वीडियो दिखा। वीडियो वायरल आने उन्होंने अंदर गेट को उड़ाने और गेट कीपर नियमन बने रखा। அந்த உள்ளூர் நிருபருடைய ஆக்ரோஷமான பேச்சுக்கு உடனடியாகவே பலன் கிடைச்சிச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, மறந்துடாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. வணக்கம்.